हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं सौम्या आप सबके समक्ष एक स्टेनोग्राफर का लाई हूँ जो हमें बेसिक की जानकारी देता है। मतलब हमें कुछ भी स्टेनोग्राफर में पढ़ना हो तो हमें बेसिक से पढ़ना होता है। जैसे हम लोग हिंदी भी पहले पढ़ते थे तो बेसिक से पढ़ते थे, तभी हम लोग को उसमें पढ़ना आया। अब हम लोग का का डायरेक्शंस भी हम लोग को पता होना चाहिए ना। तो जो का डायरेक्शन होता है वो इस तरह का होता है, वो ख का भी इधर से होता है, ये दोनों हल्का होता है। वही जो ग और घ है वो गाढ़ा होता है, इसका भी डायरेक्शन इधर ही से होता है। और जो ख होता है वो कटा हुआ होता है और ध भी कटा हुआ होता है। वैसे ही हमारा जो च होता है उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होती है, और छ की भी डायरेक्शन नीचे की ओर होती है, ज की भी डायरेक्शन नीचे की ओर होती है। ट का डायरेक्शन ऐसे होता है। मेनली हम लोग को इसमें डायरेक्शन जानना होता है, तो आप डायरेक्शन अच्छे से जानिए। ये टेढ़ा है थोड़ा सा लेफ्ट साइड। जैसे लर्स लिखे हैं तो लर्स का डायरेक्शन हम देखेंगे। देखिए इधर से है तो हमारा भी इधर ही से होता है, और ये हमारा स आ गया। जो स है वो देखिए यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन ऐसे बनाए हैं तो दोनों सेम हो गया। अब वही हम घर, तो ये घर का डायरेक्शन इधर से और ड का डायरेक्शन देखिए इधर से घर हो गया। जैसे अक्सर लोग लिखते हैं, जैसे लस लिखना होता है तो उनको नहीं पता होता है तो ल लिखते हैं और स लिख देते हैं ऐसे, पर ये गलत है और ये सही है, क्योंकि हमें डायरेक्शन सही पता होगा तो ही हम इसको अच्छे से लिख पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।